श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। चारों ओर बाल गोपाल के जन्मदिन की उमंग है। वैसे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण विष्णु का 8वें अवतार है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में 6 या 7 सितंबर कब मनाया जाएगा यह त्योहार। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को रात 11:57 से लेकर मध्य रात्रि 12:42 तक मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष 6 सितंबर को दोपहर 3:37 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि लग जाएगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक प्रभावी मानी जाएगी। उदय तिथि के आधार पर देखा जाए तो अष्टमी तिथि 7 सितंबर की है, लेकिन उस दिन रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं है। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र सुबह 9:20 से लेकर 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक है। इस त्योहार को लेकर कहानी है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान कृष्ण के जन्म के बाद रात 12 बजे पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को लड्डू गोपाल के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे बता दूं कि इस साल कृष्ण जन्म उत्सव पर अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से लेकर 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व 6 से 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। वैसे तो इस त्योहार को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी खास रौनक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा और वृंदावन में लोगों की काफी भीड़ होती है। यहाँ देश विदेश से लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने आते हैं।